हेलो गाइस, अगर आपकी बजट 10 से 15,000 तक है और आप एक बेस्ट गेमिंग एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन की तलाश में हो तो रेडमी के स्मार्टफोन्स आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो जाते हैं। रीजन, रेडमी के फोन्स में गेमिंग के लिए सेंसिटिविटी कमाल की मिलती है, परफॉर्मेंस भी काफ़ी कंसिस्टेंट मिलता है और बाकी के स्पेक्स भी काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ 10 से लेकर 15,000 तक के बीच टॉप 5 रेडमी के बेस्ट गेमिंग एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन्स के बारे में, जो हर तरह से बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो फटाफट फोन्स की तरफ चलते हैं, उससे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। स्टार्ट करते हैं 10,000 के सेगमेंट से। अगर आपकी बजट 10,000 के आसपास है तो अभी के टाइम पर Redmi 10 आपके लिए बेस्ट रहेगा। Redmi 10 नाम से आप इसे पुराना फोन मत समझ लेना, ये बिल्कुल लेटेस्ट लॉन्च फोन है। तो बात करते हैं इसके अमेजिंग स्पेक्स के बारे में। इसमें 6.71 इंचेस की IPS डिस्प्ले मिल जाती है विद 60Hz रिफ्रेश रेट। डिस्प्ले काफी बड़ी मिलती है और गेमिंग के लिए सेंसिटिविटी, टच, सब कुछ अच्छा मिलता है। तो गेमिंग से लेकर डे टू डे यूज तक इसकी डिस्प्ले कहीं भी निराश नहीं करेगी। इसके अलावा इसमें स्नैपड्रैगन का 680 प्रोसेसर मिलता है, जो कि बेस्ड है 6nm टेक्नोलॉजी पर, और ये प्रोसेसर 15,000 या 16,000 तक वाले फोन्स में भी देखने को मिलता है। और जनरली 15,000 पर मैं इस चिपसेट वाले फोन्स को रेकमेंड नहीं करता, बट ये मात्र 10,000 में मिल रहा, तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो इस फोन में आप फ्री फायर मैक्स शुरुआत के महीनों में अल्ट्रा सेटिंग्स पर हल्के फ्रेम ड्रॉप पर खेल लोगे, फिर कुछ महीनों के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर बिना लैग के इजीली कंटिन्यू कर लोगे। क्लैश स्क्वाड तो आप अल्ट्रा सेटिंग्स पर भी कंटिन्यू कर लोगे, और BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम सेटिंग्स पर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर ही बिल्कुल हल्के फ्रेम ड्रॉप पर कर पाओगे। सो परफॉर्मेंस प्राइस के अनुसार काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। हीटिंग इशू की बात करूँ तो ये प्रोसेसर हीटिंग को भी काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर लेता है। लंबी गेमिंग पर भी ज़्यादा हीट नहीं होता है स्मार्टफोन। इसके अलावा इसमें 6000mAh की काफ़ी बड़ी बैटरी मिलती है, साथ ही मिलता है 18W फास्ट चार्ज का सपोर्ट, तो बैटरी बैकअप काफ़ी तगड़ा मिलता है। एक बार फुल चार्ज पर आराम से 6 से 7 घंटे तक गेमिंग हो जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात, इसके बॉक्स में आपको 10W का ही एडेप्टर मिलेगा, बट आप अलग से 18W ले सकते हो। बाकी कैमरा आपको प्राइस के अनुसार अच्छा मिलता है। इसमें रैम बूस्टर का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे आप इसके अपर वाले वेरियंट को 2GB बढ़ा सकते हो। ये स्मार्टफोन दो वेरिएंट में अवेलेबल है, 4GB एंड 6GB। 4GB के लिए आपको मात्र 10,000 देने होंगे और 6GB के लिए 12,500। सो अगर आपकी बजट एग्जैक्ट 10,000 है और आपको Redmi का ही ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, तो Redmi 10 के साथ आप आराम से जा सकते हो। बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन पे। तो अगर आपकी बजट 12,000 के आसपास है और आपको Redmi का एक 5G ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, तो अभी के टाइम पर Redmi Note 10T 5G बेस्ट चॉइस रहेगा। तो फटाफट बात करते हैं इसके तगड़े स्पेक्स के बारे में। इसमें 6.5 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, साथ ही मिल जाता है 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट। इस फोन की भी डिस्प्ले आपको गेमिंग या डेली यूज में बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, और इसमें तो 90Hz रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, जिससे एप्स में स्क्रॉलिंग काफ़ी स्मूथ हो जाती है। सो सेंसिटिविटी और टच इसमें भी कमाल का मिलता है, तो डिस्प्ले ओके है। इसके अलावा इसमें MediaTek का Dimensity 700 5G प्रोसेसर मिल जाता है, और इस प्रोसेसर पर आप फ्री फायर मैक्स शुरुआत के महीनों में अल्ट्रा मैक्स सेटिंग्स पर भी खेल पाओगे, फिर आगे चलकर कुछ महीनों के बाद अल्ट्रा सेटिंग्स पर बिल्कुल हल्के फ्रेम ड्रॉप के साथ इजीली कंटिन्यू कर लोगे, और BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम सेटिंग्स पर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप फुल मैप में स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर और क्लैश स्क्वाड में अल्ट्रा सेटिंग्स पर आराम से कर लोगे। सो परफॉर्मेंस सेगमेंट में काफ़ी तगड़ा मिलता है। हीटिंग की बात करूँ तो लंबी गेमिंग पर हल्का हीट होता है, बट ज़्यादा नहीं, सो नॉर्मल हीटिंग बोलना सही रहेगा। इसके अलावा इसमें 5000mAh की बड़ी बैटरी मिलती है विथ 18W फास्ट चार्ज सपोर्ट। बैटरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला, आराम से 6 घंटे तक की गेमिंग हो जाती है एक बार फुल चार्ज पर। बाकी कैमरा इसमें भी ठीक ठाक मिल जाता है। ये स्मार्टफोन भी 4GB एंड 6GB रैम में अवेलेबल है। इसके 4GB के लिए आपको 12,000 देने होंगे और 6GB के लिए 14,000। सो अगर आपको 12,000 के अंदर 5G गेमिंग एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए, तो आप Redmi Note 10T 5G के साथ जा सकते हो। बात करते हैं अगले स्मार्टफोन के बारे में। तो अगर आपकी बजट 12,000 से हल्का ज़्यादा है और आपको Redmi का एक फुल्ली गेमिंग फोकस्ड स्मार्टफोन चाहिए, जिसमें 6GB रैम भी इसी प्राइस पर मिल जाए, तो Redmi Note 10S ही एकमात्र बेस्ट ऑप्शन है। ये स्मार्टफोन हल्का पुराना जरूर है, लेकिन अभी भी बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है। बट इसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम भी है, जिसे आगे बताने ही वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं इसके अमेजिंग स्पेक्स के बारे में। इसमें 6.43 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है विद 60Hz रिफ्रेश रेट। तो गेमिंग के लिए इसकी डिस्प्ले कमाल की है। गेमिंग में सेंसिटिविटी, टच रिस्पॉन्स रेट सब काफ़ी अच्छा मिलता है। और बहुत बंदे ये सोच रहे होंगे कि इसमें हायर रिफ्रेश रेट नहीं है, तो गेमिंग में हाई रिफ्रेश रेट उतना फ़र्क नहीं डालता। वैसे भी फ्री फायर 60Hz सपोर्ट करता है, तो कोई मेजर डिफरेंस नहीं दिखने वाला। सो ओवरऑल डिस्प्ले ऑसम है। इसके अलावा इस फोन में इस सेगमेंट का काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर मिल जाता है, जो है MediaTek का Helio G95।
और इस प्रोसेसर पर आप फ्री फायर मैक्स शुरुआत के 4-5 महीनों तक अल्ट्रा मैक्स सेटिंग्स पर खेल पाओगे। फिर कुछ महीनों के बाद अल्ट्रा या स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर बिना किसी फ्रेम ड्रॉप के इजिली कंटिन्यू कर लोगे और BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम सेटिंग्स पर। इस फोन में जो एक प्रॉब्लम है वो है हीटिंग प्रॉब्लम, जिसकी वजह से गेमिंग में थोड़े फ्रेम ड्रॉप्स भी होते हैं। तो अगर आप फोन को किसी भी तरह से ठंडा रख पाते हो तो काफी लंबे समय तक हाई सेटिंग्स पर भी बिना फ्रेम ड्रॉप के गेमिंग हो जाएगी। बात करूं अगर गेमिंग के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, तो ये भी आप शुरुआत के 2-3 महीने ही हाई सेटिंग्स पर कर पाओगे, फिर स्टैंडर्ड सेटिंग्स पर इजिली कंटिन्यू कर लोगे। सो परफॉर्मेंस वाइज भी ये फोन बहुत सही है। इसके अलावा इस फोन में भी 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है विथ अमेजिंग 33W फास्ट चार्ज सपोर्ट, तो बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलता है। एक बार फुल चार्ज पर आराम से 5 घंटे तक की गेमिंग हो जाती है, तो बैटरी डिपार्टमेंट भी ओके है। बाकी कैमरा भी आपको काफी अच्छा मिलता है। ये फोन भी 2 वेरिएंट में अवेलेबल है, 6GB RAM एंड 8GB RAM। तो 6GB का प्राइस अभी आपको 12,500 पड़ जाएगा, और अगर आप कार्ड यूज करते हो तो आप इसे मात्र 11,000 में ले सकते हो। सो अगर आपको एक अच्छी सेंसिटिविटी के साथ अच्छा परफॉर्मेंस वाला गेमिंग फोन चाहिए तो आप Redmi Note 10S के साथ जा सकते हो, बट याद रखना इसमें आपको हीटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। बढ़ते हैं अगले स्मार्टफोन पे। तो अगर आपकी बजट 15,000 के आसपास है तो यहाँ पर 2 स्मार्टफोन है, एक Redmi Note 10 Pro और दूसरा Redmi Note 11T 5G। ये दोनों स्मार्टफोन अपने अपने तरीके से इस सेगमेंट में बेस्ट वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। तो पहले बात करते हैं Redmi Note 10 Pro के बारे में। इसमें 6.67 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, साथ ही मिलता है अमेजिंग 120Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट। इस फोन की डिस्प्ले में आपको सेंसिटिविटी, टच से लेकर कलर, ग्राफिक्स, ब्राइटनेस सब टॉप ऑफ द लाइन मिलता है। इसकी डिस्प्ले आपको कहीं भी जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी, एंड आई थिंक इसकी डिस्प्ले 15,000 के सेगमेंट में सबसे बेस्ट डिस्प्ले है। इसके अलावा इसमें स्नैपड्रैगन का 732G प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक गेमिंग चिपसेट है। प्रोसेसर हल्का पुराना है बट अभी भी परफॉर्मेंस काफी तगड़ा निकाल कर देता है। इसमें फ्री फायर मैक्स आप शुरुआत के 4-5 महीने आराम से अल्ट्रा मैक्स सेटिंग्स पर खेल सकते हो, फिर अल्ट्रा सेटिंग्स पर इजिली कंटिन्यू कर लोगे और BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम सेटिंग्स पर। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप अल्ट्रा सेटिंग्स पर ही अच्छे से कर पाओगे, वो भी बिना लैग के। सो परफॉर्मेंस वाइज ये फोन अभी भी अच्छा है। हीटिंग की बात करूँ तो ये फोन नॉर्मल हीट होता है, सो अगर आप फैन के नीचे खेलते हो तो पता भी नहीं चलने वाला। इसके अलावा इसमें 5020 mAh की बैटरी मिलती है विद 33W फास्ट चार्ज सपोर्ट, तो बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलता है और आराम से 5 घंटे से ज्यादा गेमिंग हो जाती है। बाकी कैमरा आपको सेगमेंट में सबसे बेस्ट मिलता है, 108MP का। डे लाइट के साथ साथ लो लाइट में भी पिक्चर क्वालिटी काफी अच्छी आती है। ये स्मार्टफोन 6GB एंड 8GB वेरिएंट में अवेलेबल है। इसका 6GB वाला वेरिएंट जनरली 15,999 में मिल जाएगा, बट हमेशा ही ऑफर में आप इसे मात्र 15,000 में ले सकते हो। सो अगर आपकी बजट 15,000 है और आपके लिए 5G ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो कैमरा प्लस ऑलराउंडर फोन के तौर पर आप Redmi Note 10 Pro को बिना ज्यादा सोचे ले सकते हो। अब बात करते हैं 15,000 के सेगमेंट में Redmi के 5G स्मार्टफोन के बारे में, बोले तो Redmi Note 11T 5G के बारे में। इसमें 6.6 इंचेस की IPS LCD डिस्प्ले मिलती है विद 90Hz रिफ्रेश रेट, तो डिस्प्ले वाइज ये स्मार्टफोन भी ऑसम है। सेंसिटिविटी से लेकर टच, कलर, ग्राफिक्स, ब्राइटनेस सब कमाल का है। गेमिंग में इसकी डिस्प्ले बिल्कुल भी निराश नहीं करेगी, ना ही डे टू डे यूज में। इसके अलावा इसमें MediaTek का Dimensity 810 5G प्रोसेसर मिलता है, और ये प्रोसेसर इस साल का 15,000 के सेगमेंट का सबसे ऑप्टिमाइज्ड प्रोसेसर है। इस प्रोसेसर पर आप फ्री फायर मैक्स शुरुआत के 5-6 महीने अल्ट्रा मैक्स सेटिंग्स पर बिना लैग के खेल सकते हो, फिर आगे चलकर अल्ट्रा सेटिंग्स पर इजिली कंटिन्यू कर लोगे और BGMI कॉल ऑफ ड्यूटी मीडियम सेटिंग्स पर। गेमिंग के साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आप शुरुआत में अल्ट्रा मैक्स सेटिंग्स पर कर सकते हो, फिर 2-3 महीने के बाद अल्ट्रा सेटिंग्स पर आराम से रिकॉर्डिंग हो जाएगी। सो परफॉर्मेंस वाइज काफी सही है ये फोन। हीटिंग इश्यू की बात करूँ तो ये फोन भी हीटिंग को काफी हद तक कंट्रोल कर लेता है, बट लंबी गेमिंग पर हल्का हीट फील होता है, बट उतना नॉर्मल है। इसके अलावा इसमें भी 5000 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है विद 33W फास्ट चार्ज सपोर्ट, तो बैटरी बैकअप इसमें भी बहुत सही मिलता है, आराम से लंबी गेमिंग हो जाती है। बाकी कैमरा इसमें भी आपको अच्छा मिलता है। ये स्मार्टफोन भी 6GB एंड 8GB रैम वेरिएंट में अवेलेबल है। इसके 6GB के लिए आपको जनरली 15,999 देना होता है, बट इसे भी आप ऑफर में हमेशा 15,000 में ले सकते हो। और अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो कभी भी इस स्मार्टफोन को 15,000 में ले सकते हो। सो 15,000 के सेगमेंट में अगर आपको Redmi का 5G प्लस ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो Redmi Note 11T 5G एकमात्र बेस्ट ऑप्शन है। सो गाइज, ये थे Redmi के बेस्ट गेमिंग एंड ऑलराउंडर स्मार्टफोन 10 से लेकर 15,000 के सेगमेंट में। आप अपने बजट और नीड के अकॉर्डिंग फोन सेलेक्ट कर सकते हो। देखो, अगर आपकी बजट 15,000 है ना, तो आप Redmi Note 10 Pro या Redmi Note 11T 5G में से किसी के साथ भी जा सकते हो, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग। दोनों में परफॉर्मेंस काफी हद तक सेम मिलेगा। सो गाइज, आई होप अब आपकी सारी कंफ्यूजन जरूर दूर हुई होगी। कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।